नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते थे तो सिर्फ मर्द नहीं जाते थे, खवातीन, बच्चे, तमाम अफराद। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को ईद की नमाज पढ़ने का हुक्म दिया तो औरतों ने कहा, हम में से कोई हाइजा होती है, वो ईदगाह कैसे जाएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईदगाह जाएगी, मुसलमानों के मुसल्ला से दूर रहेगी, यानी नमाज की जगह से, लेकिन मुसलमानों की दुआ में जरूर शरीक होगी। ये हमारा बहुत बड़ा हक है कि हमें दुआओं में शामिल किया जाए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुकूक दिलवाए। इसी तरह एक खातून ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हरेक के पास चादर नहीं होती कि हम ओढ़कर ईद की नमाज के लिए चले जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो दो खवातीन एक एक चादर में लिपट जाओ, मगर मुसलमानों की ईदगाह से गैर हाजिर नहीं रहना। फिर उम्मे अतिया कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दिया करते थे कि हम खवातीन को उनके घरों से निकाल कर लाएं और ईद की नमाज के लिए ले जाएं। तो ये ईद की नमाज अल्लाह के रसूल का हुक्म है, जो इसको पूरा नहीं करता रसूलुल्लाह की हुक्म अदूली करता, यानी वो रसूलुल्लाह की नाफरमानी करता है। ये किसी के कहने की बात नहीं है, अहदीस वाज़ेह